Hello class 10, today I am going to continue with this chapter absorption by root. Now here are some important terms and turgidity, plasmolysis and placidity, and we discussed it in previous video. Now here the terms we used like turgidity, plasmolysis and placidity. And what is turgidity? Basically, turgidity is the state of a cell in which the cell wall is rigid. Okay, in which cell wall rigid. Okay, and stretched by the increase in the volumes of vacuoles due to absorption of the water, the cell is then said to be turgid. Yani ki cell ke andar जो वैक्यूल, सपोज दिस इज सेल, और सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो क्या हो गया, फिल हो गया, और सेल हमारी क्या कर गई है, स्वेल अप कर गई है. दैट इज हम कह सकते हैं ना, सेल इज इन टर्जिड स्टेट, मीन स्वेल अप कर गई है. अब एकोमोडेशन वाटर का ज़्यादा उसके अंदर नहीं हो सकता, अब वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, सेल वॉल रिजिड हो चुकी है. दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी. क्लियर? नाउ सेकेंड वन, दैट इज प्लाज्मोलिसिस. Plasmolysis is the contraction of the cytoplasm from the cell wall. Okay, contraction of the cytoplasm from the cell wall caused due to the withdrawal of water when placed in a strong hypertonic solution. Suppose अब हमने इस cell को एक strong solution में रख दिया hypertonic. इसका concentration क्या है? High, increase है. इसका concentration क्या है? Low है. तो इसके अंदर का वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ओके, इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल. ओके, कॉज ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन. वाटर का विड्रॉल हो रहा है, क्यों हमने इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन में रखा है, अंदर से वाटर का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, बाहर, आउट इन साइड टू आउट साइड. तो सेल हमारी क्या जाएगी, श्रिंक कर जाएगी इन दिस कंडीशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. नाउ सेकेंड वन, दैट इज थर्ड वन, दैट इज फ्लैसिडिटी. फ्लैसिडिटी इज द कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट इज श्रंकन एंड सेल इज नो मोर टाइट. ठीक है, सेल हमारी क्या कर गई है, श्रिंक कर गई है, अब उसमें टाइटनेस कुछ भी नहीं लेके बचा है. द सेल इज देन सेड टू बी फ्लैसिड. तो हम सेल को क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ सेल इज दिस, दैट इज फ्लैसिड, एंड दिस वन टर्जिड. ये टर्जिड सेल है एंड दिस वन इज फ्लैसिड सेल, यानी कि इसके अंदर अब वाटर नहीं है और इट इज फुल ऑफ वाटर, मतलब अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता इसके अंदर, इतना वाटर आ गया कि अब ये मोर वाटर अकोमोडेट कर ही नहीं सकती. तो नाउ दिस कंडीशन इज फ्लैसिडिटी एंड दिस कंडीशन इज टर्जिडिटी. एंड सेल, दिस सेल इज फ्लैसिड सेल एंड दिस वन इज टर्जिड सेल. Now condition, this one is flaccidity and this one is turgidity. Clear? Now next one. Okay. Now next one, that is uses of turgidity. Uses of turgidity to plants. Uses of turgidity to plants. Okay, first one, turgidity provides rigidity to soft tissue such as the leaves. Okay, turgidity provides rigidity to soft tissues. तभी आपका प्लांट क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है, लाइक लीव्स. दिस इज द फर्स्ट यूज. आई विल एक्सप्लेन हाउ. सेकेंड वन, टग प्रेशर हेल्प टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड. टग प्रेशर हेल्प to push through hard ground.
Next one, turgor in root cell build up root pressure. Root cell builds up root pressure. Next one, fourth one, turgor in the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata. Next one, turgor movement. Turgor movement. Okay. Now first use of turgidity to plant, that is rigidity to soft tissues like leaves. First one, rigidity, turgidity provides rigidity to soft tissues like leaves. Leaves. Okay, when there is no enough water in a leaf, it wilts, as you know. Suppose see here, अगर water है, अगर आप घर में simple कोई plant है, आप देखिए वहाँ पे उसकी leaves ऐसे straight रहती है ना, अगर उसमें proper हम watering करते हैं तो ना leaf like this, हाँ अगर आप उसमें water डाले ही नहीं, one day आप suppose भूल गए, आप कहीं चले गए, तो when you see after few days तो कैसे हो जाती है, लीफ लाइक दिस है ना, बिल्ट हो जाती है, मुरझा जाती है. ओके, नाउ द इट्स पेटियोल एंड लेमिना बिकम लूज एंड लीफ ड्रॉप्स डाउन. उसके पेटियोल और लेमिना क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और लीफ हमारी नीचे गिर जाएगी. विल्टिंग ऑफ द लीव्स इज यूजुअली नोटिस्ड व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू द हॉट आफ्टरनून सन, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट. ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उस केस में भी क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू हमारा जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, बिल्ट कर जाएगा. इन द इवनिंग व्हेन ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एक्सीड द लो ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल लीफ सेल इज रिस्टोर्ड एंड द लीफ अगेन स्टैंड अप. फिर शाम को क्या हुआ, आपने उसमें पानी डाला थोड़ा सा, सन है नहीं, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, फिर से लीफ अच्छी सी टर्जिड हो गई. ओके, नाउ सेकेंड यूज दैट इज टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू हार्ड ग्राउंड. सपोज एज इन मशरूम, यू सीइंग इन द मशरूम बेसिकली एंड इन अ सीडलिंग ऑल्सो. सपोज आपने कोई सीड लगाया, दिस इज अ पॉट ना, और आपने यहाँ पे एक सीड लगाया, थोड़े दिनों के बाद आप देखते हो ना ग्राउंड को पुश करके ऊपर एक छोटी सी सीडलिंग निकल के आती है, ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर, ड्यू टू द टर्जिडिटी. और स्पेशली सीन इन मशरूम, समटाइम्स द रूट ऑफ सर्टेन ट्रीज हैव बीन सीन टू क्रैक द वॉल ऑफ द कंक्रीट फ्लोर ऑफ एन एडजॉइनिंग बिल्डिंग. विच टाइप ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, दैट इज टर्गर प्रेशर, दिस अगेन इज ड्यू टू द टर्गर प्रेशर. ओके, रीजन वाला क्वेश्चन आता है. ओके, वाई, ओके, सर्टेन ट्रीज हैव बीन सीन टू क्रैक द वॉल्स और अ कंक्रीट ऑफ एन एडजॉइनिंग बिल्डिंग, तो विच टाइप ऑफ प्रेशर अप्लाइड इन इट, दैट इज टर्गर प्रेशर. नाउ नेक्स्ट वन, टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड अप प्रेशर, रूट प्रेशर. इफ यू कट अ वेल वॉटर्ड पॉट प्लांट लाइक बाल्सम अ फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द सॉइल एंड इमीडिएटली फिक्स अ ग्लास ट्यूब इट टू इट बाय मीन्स ऑफ अ रबर connection, the water will start coming out of the cutting to the stem and rise up in the glass tubing. Okay, this rising water can raise the mercury fill in the connected manometer. This upward flow of water is due to the heavy pressure from the root, which is called root pressure. Okay, what is root pressure basically? Okay, root pressure is the pressure developed in the roots due to continued inward movement of water. It is a root pressure, is a type of pressure developed due to the continued inward movement of the water through cell-to-cell osmosis, which help in the ascent of sap upward through the stem. ठीक है, ये root pressure से क्या होता है, water ऊपर की तरफ आता है through stem. Due to root pressure, water, that is cell sap, can rise in the tube
and up to a certain height only, loss of water through a cut stem is called bleeding. Bleeding क्या होता है? It's not that bleeding. Suppose this is stem, stem में हल्का सा cut लग जाता है, तो आपने देखा ना यहाँ से कुछ watery fluid निकलता है, that is called bleeding. Okay. Now next one, opening and closing of stomata. Okay, you already studied about it. Okay, in this class. Okay, ninth में भी पढ़ाया था. That is opening and closing of stomata in class 8 also. Now each guard cell, you know it, what is guard cell? Huh? This kidney shaped structure in the stomata, that is guard cell. Okay, और यहाँ पे क्या है? Nucleus है. This is vacuole. और बीच में जो पोर होता है, that is stoma. Remember? Okay, each guard cell has a thicker wall on the side of facing of the stoma. Stoma is the center opening part. Okay. And thin walled on the opposite end, guard cell contain chloroplast as a result of the synthesis of glucose during photosynthesis and some other chemical changes. The osmotic pressure of the content of a guard cell increases and they absorb more water from the neighboring cells. This become turgid. On account of turgor, the guard cell become more arch outwards and the aperture between them widens, thereby opening the stomata. At night or when there is shortage of water in the leaf, the guard cell turn flaccid and their inner rigid wall become straight, thus closing the stomatal aperture. Now next one, turgor movement. The rapid dropping of the leaves of a sensitive plant like mimosa pudica, chuimi. ठीक है, देखा आपने, उसको छुएंगे तो अब लीफ क्लोज हो जाती है और जैसे आप हटाएंगे अपना हैंड तो फिर से वो ओपन हो जाता है. ठीक है, इट्स वेरी सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुटिका. इट इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द टग मूवमेंट. इफ वन ऑफ द लीव इज टच इवनली लाइटली, द लीफलेट्स फोल्ड्स अपवर्ड एंड विद इन टू और थ्री सेकेंड्स द इंटायर लीफ ड्रॉप्स. इफ द लीफ इज टच समवॉट स्ट्रॉन्गली, द वेव ऑफ फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग स्प्रेड फ्रॉम स्टिमुलेटेड लीव टू ऑल नेबरिंग लीव्स. ओके,